प्रजा तो ठीक है, परंतु अभी अभी समाचार मिला है राम की सेना हमारी सीमा में घुस आई है। स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करने चाहते हूँ कि आप रामचंद्र से भय न कीजिए, वे चराचर के स्वामी हैं, इसलिए सीता को दिए बिना हमारा भला नहीं हो सकता है। मंदोदरी, शोक है कि तुम उन तपस्वियों की तरफ दादी क्यों कर रही हो। मेरे जैसे बलवान इस संसार में कौन है और मेरा मुकाबला इस संसार में कौन कर सकता है। तुम रावण की पत्नी होकर कायरों के भांति बातें कर रही हो। ऐ मेरे सुवासको, कि अभी समाचार मिला है राम की सेना हम पर आक्रमण करने वाली है और हमें अपने अपने बुद्धि से सावधान रहना चाहिए। महाराज, सेना ने देवताओं को परास्त किया, फिर इस वानर सेना की क्या हिम्मत है कि आपसे लोहा ले सके। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तुम्हारी वीरता को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। कहो भाई विभीषण, अब आपका क्या विचार है? भ्राता जी, यदि आप मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मेरी राय यह है कि आप व्यर्थ के झगड़े में ना पड़े। तथा सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए, इसमें ही सबका कल्याण है। और निर्लज पूर्ण नमक हराम, तू क्या वन वनवासियों की प्रशंसा कर मेरे चक्रों में नमक छिड़क रहा है। भ्राता जी, आप चाहे मुझे कैसा भी समझ ले, कुछ भी कहें, मैं सबकी ही हित के बात कर रहा हूं। प्राई स्त्री का भ्रण करना महापाप है। और निर्लज कायल नमक हराम, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से निकल जा, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ओ मूर्ख, इससे अच्छा था कि तुम मेरे रावणगढ़ में पैदा ही नहीं होता। भ्राता जी, आप अपनी जीवन से कहे ना कहे मुझे यहां रहना खुद ही मंजूर नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसका आप क्या क्या दोष है, ईश्वर को यही मंजूर था।
अरे ओ मूर्ख, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा भाई है, इसलिए पूरी मेरी लंका से निकल जा। मैं तुम्हारी सूरत दोबारा नहीं देखना चाहता हूं, और अब मेरी लंका में पांव रखने की भी हिमाकत मत करना। जा चला जा मेरी नजरों से दूर हो जा कुलद्रोही। इस जगह से निकलना तो क्या चीज है, इस जगह से निकलना तो क्या चीज है, मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ। इस जगह से निकलना तो क्या चीज है, मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ, मैं खुशी से यहाँ से किनारा करूँ। महाराज, आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। है? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि वह राक्षसी माया से हमारा भेद लेने आया हो, इसमें मुझे कुछ संदेह है। परंतु विभीषण से ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आखिर उसे घर छोड़ना पड़ा? भगवान, सुना है कि विभीषण ने रावण की इस कार्य को अनुचित बताया तथा उसे बहुत समझाया, परंतु रावण नहीं माना। और उसने विभीषण को घर से निकाल दिया। सुग्रीव जी, यद्यपि मैं आपकी बात मानता हूं तो तथा मेरा मन साक्षी देता है कि विभीषण की नियत बिल्कुल साफ है, और अगर कोई कपट इरादे से यहां पे आया है तो आखिर बचकर कहां जा सकता है? कहिए हनुमान जी, आपका इस संबंध में क्या विचार है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि यदि रावण के दरबार में विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके सामने न होता। मैं ये भी भलीभांति जानता हूं कि विभीषण रावण का चौदर भाई है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार से तो विभीषण जी का मन पवित्र है, इसलिए आप जाकर विभीषण जी को आदर सहित यहां ले आइए। जो आज्ञा हो भगवान।